नमस्कार। कक्षा 12 में डे 202 में हम हाइड्रोजन एटम हमारा टॉपिक चल रहा है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। पिछली क्लास में 201 में हमने सोल्व किया था, इसके लिए ऊर्जा का मान निकाला था। ऊर्जा का मान रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में निकाला था और एक फॉर्म निकाली थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अब हमें बताना है कि ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा क्या क्या है, तो कोई अलग बात नहीं है, उसी टॉपिक को हम लेकर चलेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के एनवे स्तर की ऊर्जा, इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया था, अब हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। इसको ध्यान रखना है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। जिसने नहीं पता है, नहीं देखा है, तो वो पिछली क्लास देख ले, 201 उसके अंदर पूरा इसको डिस्क्राइब किया गया है कैसे ये वैल्यू आती है। ठीक है, जब आपको ऊर्जा स्तर पूछे तो सोल्व नहीं करना है, ये अपने को डायरेक्ट ही यूज करना है। ठीक है, वो ऊर्जा के लिए सोल्व करने की वैल्यू है। अब देखो अलग अलग ऊर्जा स्तर की वैल्यू कैसे आएगी, एन का मान एक रखेंगे तो पहले ऊर्जा स्तर की पहली कक्षा की, एन का मान दो रखेंगे तो दूसरी कक्षा की दूसरे ऊर्जा स्तर की, तीन रखेंगे तीसरी कक्षा तीसरे ऊर्जा स्तर। लेकिन एक बात इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है जो न्यूमेरिकल में जरूर डाली जाती है, तो वही बात डाली जाती है, कन्फर्म है 100%, और वो इसलिए डाली जाती है कि हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, इसलिए डाली जाती है। वो क्या है, एक वर्ड और यूज करते हैं इसमें, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उत्तेजित ऊर्जा स्तर ये ध्यान रखना, उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उत्तेजित ऊर्जा स्तर क्या होता है, बोर मॉडल में हमने लास्ट विशेषता लिखी थी कि परमाणु या इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो ऊर्जा उत्तेजित ऊर्जा स्तर कौन सा होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके जिसके अंदर पहुंचता है, जहां पहुंचता है वो उत्तेजित है, यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ग्रहण होती है तब वो उत्तेजित होता है। उत्तेजित होकर कहां जाएगा, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले के छोड़ के इसके ऊपर जितने भी है वो उत्तेजित है, उत्तेजित है, तो उनका क्रम बदल गया। पहली कक्षा जो है वो पहला ऊर्जा स्तर है, सामान्य ऊर्जा स्तर। दूसरी कक्षा जो है वो ऊर्जा स्तर तो दूसरा है, लेकिन अगर उत्तेजित ऊर्जा स्तर लिखा जाए तो वो क्या है, पहला है। क्योंकि जब नीचे से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, पहले पहले फ्लोर पे जाएगा, पहली मंजिल पे तो जाएगा पहले, क्योंकि सीढ़ियां कहां जाएगी, पहले पहली मंजिल पे जाएगी, फिर दूसरी डायरेक्ट दूसरी मंजिल पे कोई सीढ़ी नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब पहला उत्तेजित स्तर कौन सा है, दो नंबर वाला। अगर उत्तेजित स्तर कह दिया तो वहां एन का मान, प्रथम उत्तेजित स्तर कह दिया तो वहां एन का मान दो है, तो हम प्रथम को हमेशा एक मानते हैं और एक लिख के और चिपकाया थे काम, तो फिर वो गलत होता है, इसीलिए ये बात ध्यान रखने। अभी हम सोल्व करते हैं, फिर डायग्राम और बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक क्या है, प्रथम कक्षा क्या दो या प्रथम ऊर्जा स्तर क्या दो, एक ही बात है। ऊर्जा क्या है, E1 is equal to n का मान एक रखेंगे, ये माइनस छोड़ दिया, ध्यान रखना माइनस है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, माइनस एक का बाद देंगे, एक ही आएगा, लिखने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा, -13.6 किसकी है, पहले स्तर की, पहली कक्षा की, मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं इसको, मूल ऊर्जा स्तर, मूल का मतलब सबसे पहला यही है। उसके बाद में दूसरा बात करें एन बराबर दो के लिए, निकाल लेंगे सभी के बारे में निकाल सकते हैं, भाग देंगे दो का देंगे तो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, चार का भाग दे देंगे तो ये क्या होगी, द्वितीय कक्षा होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, द्वितीय कक्षा या द्वितीय ऊर्जा स्तर तथा उत्तेजित में तो क्या आएगी, अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया सबसे कम पे जाएगा तो सबसे कम क्या होगा, दूसरा तो है सबसे कम, ज्यादा ऊर्जा ले ली तो डायरेक्ट तीसरे में जाएगा, जो और ज्यादा ले ली डायरेक्ट चौथे में चला जाएगा। लेकिन सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम तो फर्स्ट फ्लोर ही है, वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो वैसे तो क्या है, दो नंबर पे आ रहा है ना, लेकिन फ्लोर को क्या कह रहे हैं, सेम जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं शब्दों का वैसे यूज कर सकते हैं कि हम जो सबसे नीचे का स्तर होता है उसको ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, उसको पहली मंजिल नहीं कहते, फिर उसके ऊपर जो होता है उसको फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। तो वो क्या हो गया, कमरा अगर देखें तो ग्राउंड फ्लोर पे कमरा है और एक कमरा, दूसरा कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे, तो फ्लोर फर्स्ट है लेकिन कमरा दो है, इसका मतलब ऊर्जा स्तर तो वो दूसरा है लेकिन उत्तेजित ऊर्जा स्तर, यानी वहां से एनर्जी लेके जाए तो पहली स्थिति वही है, उसके ऊपर जा सकता किसी में भी, तो
तो यहाँ ये क्रम ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे, प्रथम उत्तेजित स्तर, उत्तेजित ऊर्जा स्तर के दो स्तर के दो एक ही बात है। तो यहाँ एन का मान दो रखेंगे तो ई टू का मान कितना आ जाएगा, माइनस 13.6/4 बराबर, इसको सोल्व कर दे तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये ध्यान रखने याद रह जाए तो बेटर है, ज्यादा अच्छे है, टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में। नहीं याद रहता तो भाग दो, चार का भाग दो देना। इसी तरह तीसरे की बात करें तो एन बराबर तीन, ये क्या होगा, तृतीय कक्षा होगी तथा द्वितीय उत्तेजित स्तर होगा। तो इसका E3 का जो मान है वो क्या आएगा, माइनस 13.6/9, 9 का भाग देंगे तो 1.51 आएगा शायद, तक देख लेना आप इसमें शायद कितनी आती है, भाग देंगे देख लेना। और फिर आती है बात N बराबर 4 के लिए कौन सा चतुर्थ ऊर्जा स्तर, ऐसे कितने भी निकाल सकते हो, भी चतुर्थ कक्षा या ऊर्जा स्तर, लेकिन अगर उत्तेजित की बात करें तो तीसरा उत्तेजित स्तर है ये, तृतीय उत्तेजित स्तर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, उत्तेजित स्तर अगर आपको तीन का आ गया है तो एन का मान चार है, उत्तेजित स्तर आपको दो का आ गया है तो एन का मान तीन है। न्यूमेरिकल वैसे भी ध्यान रख सकते हैं हम क्वेश्चन करने के लिए कि जो उत्तेजित स्तर जितने नंबर का आ गए हैं इसका मतलब कक्षा उससे एक आगे की है, आगे ना समझ में, अभी डायग्राम और बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ से E4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 13.6/16, इसकी वैल्यू आएगी 0.54 नियर अबाउट वैल्यू रहती है। इसी तरह से सॉरी 0.85 आ गई, 0.85 नेक्स्ट वैल्यू आएगी 0.5, बाकी फिर भी आप देख लेना। तो इस तरह से आगे चलते रहेंगे, एक और सॉल्व कर लेते हैं हम कि n बराबर अनंत के लिए, ये भी बहुत काम की चीज है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर का पूछा जाता है। E बराबर अनंत के लिए तो E अनंत बराबर क्या आएगा, माइनस 13.6/ अनंत, किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं तो उसका उत्तर क्या आता है। इसका मतलब ये पूछे थे क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए पहली कक्षा से निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, तो वो हम बात करेंगे। पहली कक्षा से निकालने के लिए उसको भेजना क्या है, अनंत में, तो अनंत की ऊर्जा माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा, उस पर हम बाद में आएंगे। तो वो ऊर्जा किस में आएगी, प्लस 13.6 में आएगी। अगर यूं कहते हैं अनंत में कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है तो जीरो होती है, ये ध्यान। और जब इलेक्ट्रॉन अनंत में कक्षा में पहुंच जाते हैं तो वो परमाणु से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब कैसे किया जाता है कि मुक्त कब होता है, जब अनंत में पहुंचता है। क्यों, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो आकर्षण की ऊर्जा थी, जिस ऊर्जा से आकर्षित रहा था वो नाभिक से, वो ऊर्जा कितनी होगी वहां, जीरो। इसका मतलब उसका नाभिक की आकर्षण खत्म हो गया, नाभिक से वो फ्री हो गया, अब नाभिक उस पर कोई बल नहीं लगा रहा, तो अब वो कहाँ है, अनंत में ऊर्जा में। अब इसके हम डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए ध्यान रखना आपको। ये तो हम ऊर्जा स्तर ले लें, ये ले लेते हैं बराबर एक, इसकी ऊर्जा कितनी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इधर क्या ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं एनर्जी, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये मात्रक लिख दे ज्यादा अच्छा है। अब देखो पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, माइनस 13.6, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक नंबर में, दो नंबर में। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं है लाइनें खींचने, कैसे खींच दो ऐसे नहीं है, उसके लिए हमें तरीका, ऐसा भी नहीं है कोई स्केल से माप माप के चले बिल्कुल मेजरमेंट पैमाना सही होना चाहिए एग्जैक्ट, ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो तुलनात्मक हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो सही है। तो उसके लिए आप देखो पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, 13.6, दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी है, तो 13 में और 3 में तो बहुत डिफरेंस है ना, तो इनके बीच में अंतर ज्यादा आएगा, तो इतना अंतर बढ़ा देता हूं मैं, इसको इतना बढ़ा देता हूं। ये क्या है, n बराबर 2 है, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, लेकिन ऊर्जा स्तर कैसा है, ये प्रथम उत्तेजित स्तर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इसमें पहले वहां लिख रही है फिर दोबारा फिर लिख रहा हूं इसीलिए। ये बहुत न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मान के चलें कि न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसी वैल्यू दी जाएगी, और हम अगर थोड़ा सा भी वहां लैग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसकी ऊर्जा कितनी है, इधर लिख रहा हूं ऊर्जा, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे की कितनी है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो तीन में और डेढ़ में तो डेढ़ गया अंतर है, ये 10 का था, 10 की तुलना में डेढ़ गया है, उसका छठा भाग हो गया लगभग,
तो इसके छह टुकड़े करें तब जाके एक टुकड़ा इसका डिफरेंस होगा। तो ये ऐसे अंदाजे से बढ़ाए हम, लेकिन हमें बढ़ाए इस तरह से कि पता चल रहा है, ये नहीं इसमें इतना अंतर, इसमें इतना अंतर कर दिया तो फिर वो उस डायग्राम के नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन ही तो खींचनी है, लाइन खींच दी हमने ठीक है, लेकिन उसका हमारा जो पैमाना है वो लगभग उस तरह से होना चाहिए कि देख के पता चले कि हाँ इतने इनके बीच इतना डिफरेंस है, इसके बीच इतना डिफरेंस है। यहाँ जो वैल्यू है वो है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं एन की वैल्यू 4 जब लेंगे तो इसका मान आ रहा है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो डेढ़ में और 0.85 में कितना है 0.75 लगभग 0.7, तो वो किसका कितना अंतर है, वो एक से भी कम है, एक से भी कम है। तो ये डेढ़ का अंतर था, एक से भी कम, तो वो इसके और पास आएगा, यहाँ लगभग यहाँ आएगा एन इजिकल टू 4 -0.85। अगला इसके और पास आएगा, ये डायग्राम हम फिर बढ़ाएंगे लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर बढ़ाएंगे डायमल श्रेणी, बामल श्रेणी, पास कर ब्रैकेट कोण कैसे बढ़ती हैं तो उसकी बात करेंगे, तब ये डायग्राम फिर हम दोबारा बनाएंगे। तब तक आप इसको ध्यान रखें कि अगर आपको वैल्यू पूछी जाती है, यदि इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप नहीं याद है तो आप भाग देके निकाल लो कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा कितनी होगी या तीसरी उत्तेजित स्तर की ऊर्जा कितनी होगी। अगर ये पूछ लिया तीसरी उत्तेजित स्तर की, इसका मतलब चौथे की पूछ रहे हो ठीक है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये आप कर लें, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो काम करेंगे।